भारत संकल्प यात्रा राहुल गांधी की है, उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ेगा आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत संकल्प यात्रा जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में इस समय राम मंदिर का अलख जगा हुआ है, जनता में केवल राम जय श्री राम का नारा चल रहा है। भारत संकल्प यात्रा का कोई प्रभाव इस चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से सरकार की गुंडाई चल रही है और जिस तरह से बेरोजगार त्रस्त हैं, महिलाएं पीड़ित हैं, किसान जो है सड़कों पर आंदोलनरत है, उस तरह से जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है यह निश्चित ही लोगों को जोड़ेगी और वो विश्वास देगी कि जल्दी इस हिटलरवादी सरकार से निजात मिलने वाली है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस सारी समस्याओं का निजात हो जाएगा। प्रदेश में जन विश्वास के रूप में ये यात्रा अपना रुख अपनाएगी, लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ बिल्कुल बढ़ेगा। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ता के लोभी हैं, जन विश्वास के रूप में उनके देने के लिए कुछ भी नहीं है। आजकल वो तमाम ऐसे प्रोपेगेंडे अपना रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहें, इसके सापेक्ष राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं जरूर ये भारत जोड़ो यात्रा उनको मंजिल तक पहुँचाएगी। क्या उत्तर प्रदेश पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं चंद्रशेखर मणि तहसील चोरी चौरा में प्रैक्टिस करता हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरा जहाँ तक मानना है कि राहुल गांधी प्रयास तो कर रहे हैं, हमें लगता है कि राहुल गांधी जी की ये न्याय यात्रा का मिला जुला असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जैसे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। तमाम लोग, संगठन के वरिष्ठ लोग टूट टूट कर इधर उधर भाजपा में चले जा रहे हैं और आजकल की राजनीति का कुछ संस्कृति हमें समझ में नहीं आ रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति है, जहाँ जो पा रहा है तहाँ तोड़ ले रहा है, चुनी हुई सरकार गिर जा रही है। और उसके बाद अभी आप हाल ही में देख लीजिए घटनाक्रम, नीतीश कुमार ने पलटी मारा, पहले थे उधर आ गए भाई भाजपा में, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो यही कहूँगा कि इनको और खड़गे साहब को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, क्या उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा? इससे बिल्कुल उत्तर प्रदेश में युवाओं को राहुल जी जगाने का काम कर रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका व्यापक असर होगा और इसका सीधा असर चुनाव पर दिखेगा। जी, क्या लगता है कि इस बार जो है यूथ कहाँ जाएगा? यूथ हमारे साथ है और हमारी यात्रा में आप देख सकते हैं राहुल जी साथ, प्रदेश का जन जन का जो नया युवा वर्ग है उनके साथ जुड़ा हुआ है। न्याय यात्रा राहुल गांधी की जो चल रही है, क्या यूपी में उसका क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देगी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, इनके नेता बीजेपी में लगातार शामिल होते जा रहे हैं, कमलनाथ का नाम आ गया और अभी तिवारी जो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं वो भी शामिल होने जा रहे हैं। तो जब तक कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट नहीं कर पाएगा, यात्रा का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ने वाला है। अगर जनता के बीच कोई विश्वास पैदा होता है तो ये न्याय यात्रा जो है प्रभावित कर सकती है। और ये भी है कि जिस तेजाई से नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ा है, उसी कद में कहीं ना कहीं फेस करने के लिए राहुल गांधी जी जो है ये यात्रा कर रहे हैं। जनता का अगर जन समर्थन मिलता है और जन समर्थन अगर मत में बदलता है तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है। सब चुनावी मुद्दे हैं, देखना ये होगा कि जनता क्या फैसला करती है। अगर राहुल गांधी सरकार और कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, कुछ परिवर्तन होता है, अब वो जुमलेबाजी नहीं कर रहे तो उसका इन्हें फल मिलेगा। बाकी जनता खुद होशियार है, समझदार है, देखा जाएगा जनता क्या फैसला करती है। किसी की यात्रा निकालने ना निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उससे भारत में जन जागरण पैदा हो रहा है और भारत में जो एक सरकार के प्रति संवेदना पैदा हो रही है और सरकार की द्वारा जो गलत नीतियां हैं जिससे किसान परेशान है उसके प्रति जनता और किसान सब सजग हो रहा है। इससे जो 2024 का चुनाव आएगा उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी और अब फुल बहुमत में सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में उसका क्या असर रहेगा? उसका असर ये रहेगा कि जिस तरह से वो समाज को लेकर के निचले से ऊंचे पायदान तक के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उससे
से ज़्यादा जो है एकरूपता आ रही है समाज में, और ये जो है संगठित होकर के यदि इनका सहयोग करेंगे तो ये आगे निकलेंगे। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अपना आस्पेक्ट के लिए ही कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि भारत जोड़ो आंदोलन से जो है जो जनता पिछड़ी हुई है वो उससे इकट्ठी तो भी होगी और उस पर एक नया संदेश भी जाएगा। लेकिन अब ये पार्टी थोड़ा डाउन हो गई, इसलिए डाउन हो गई क्योंकि जो इसमें नए नए जो लोग जुड़ रहे हैं वो थोड़ा कम जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में लोग अधिकतर जुड़ रहे हैं। उनकी एक तरह देखा जाए तो वो लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं और जनता तक संपर्क भी करते हैं, तो थोड़ा सा अभी इनको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर संघर्ष करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। देश त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, प्रदेश और देश त्रस्त है। तो ऐसे में जो है लोग निगाह भरी नज़रों से देख रहे हैं, कोई भी मसीहा आवे उनसे कम जो है हम लोगों को उभारने की बात करें तो राहुल, ऐसे में राहुल जो मसीहा की तरह जो है यात्रा कर रहे हैं, उम्मीद है कि माना चाहिए। जो न्याय यात्रा आ रही है यूपी में उसका लोगों पे असर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। कहते जो अपनी बात है वो बता रहे हैं, जो सच्चाई वो बता रहे हैं, तो लोगों को जानकारी हो रहा है, इससे असर पड़ेगा। देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में इसका क्या असर है? देखिए राहुल गांधी जो ओबीसी जात आधारित जनगणना करा रहे हैं, पिछड़ों की जो है मांग को पूरा करेंगे, तो उनकी यात्रा जो बढ़िया सफल होगी। अगर इसके पहले ये किराए होते ये दिन नहीं देखना पड़ता। योजना में आदमी आजकल मोदी जैसे हैं गल्ला बांटते हैं और राहुल गांधी हैं, ये पता नहीं आगे क्या क्या बांटेंगे, ये क्या क्या सुविधा देंगे, कोई पता नहीं इसका। गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं उस पर जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, सरकार अपनी जगह मजबूत है, मजबूत रहेगी, इस पर जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जयपुर में भीड़ निकले या कहीं जिले में भी भीड़ निकले, लेकिन जनता पे कोई फर्क नहीं, कोई सरकार पे फर्क नहीं पड़े, वो जितनी भीड़ इकट्ठा हो कुछ नहीं। ये 2024 में जो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इसका उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है। ये कई पार्टियों की यात्रा है, कोई शामिल हो रहा है, कोई नहीं शामिल हो रहा है, किसी में विचार मिल रहे हैं, किसी में नहीं मिल रहे हैं। भाई इस यात्रा में हमारी समझ में नहीं आ रहा है इसमें कोई किसी प्रकार से जो राहुल गांधी जी की यात्रा सफल होगी। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस साफ मिलेगी। 2024 की ये स्थिति है, अभी भी जिस दिन प्रदेशों में हो पाए हैं वहाँ के बड़े बड़े नेता जितने हैं वो सब भाग रहे हैं इधर उधर। इस समय भगदड़ मची है कांग्रेस में ही, जब मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो एनडी गठबंधन कहाँ से एका होगा। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को चुनौती दे पाएगी। गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखेगा? जी बिल्कुल, असर नहीं पूरी तरीके से असर है। चंदौली से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है और हम लोग देखें प्रयागराज बनारस में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इसका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखेगा? असर उसका हर जगह है, सब लोग जान रहे हैं कि हाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की यात्रा है, वो बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी एक तपता हुआ आईना है जो त्याग कुर्बानी और बलिदान की परिपाटी से निकलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। गोदी मीडिया को आईना है, एक भ्रष्ट सरकार के लिए आईना है। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बढ़िया परिणाम है, वो तो निकलती रहती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जैसे वो निकालने यात्रा, तो अच्छी बात है निकालने यात्रा, वो अपना भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यह है इस पार्टी ने अपना बहुत मजबूत कर रखा है, वो तो उस वजह से होना कुछ नहीं है, यात्रा निकालो या कुछ भी करो होना कुछ नहीं। वैसे यात्रा अच्छी बात है निकालने, सही कर रहे हैं, देख रहे हैं पब्लिक को, खींच रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन पब्लिक अब क्या है वो, पब्लिक के दिमाग पर पब्लिक किधर जाती है। हाँ कोशिश तो राहुल गांधी कर रहे हैं पूरी, लेकिन कामयाबी भाई देखा जाएगा कामयाबी है भाई। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना, उस पर क्या असर पड़ेगा जनता पर? हिंदुस्तान की जनता तो पागल दीवानी है, उस पर असर क्या पड़ेगा? बड़े बड़े नेता आए चले गए, और जैसे पहले इनकी रैली निकली थी जनता साथ में थी, इलेक्शन आते ही गायब हो जाती है, तो पता ही चलता किसके साथ है किसके साथ नहीं। जनता का रुझान उसके अंदर बैठा है, किसी रैली से या किसी भाषण से उस पर फर्क नहीं पड़ता। न्याय यात्रा
जनता के दिल में है और जनता बदलाव चाहती है। विकल्प ना हो पाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत जरूर है, अन्यथा बदलाव तो जनता चाह रही है। उसका मूल कारण है कि केवल धर्म की आड़ में महंगाई और बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, देश बेचना, कई मामले ऐसे हैं जिससे जनता हलाकान है, किसान हलाकान है, व्यापारी परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है। बदलाव सबको चाहता है, लेकिन बदलाव बशर्ते विकल्प चाहता है। विकल्प अभी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन नहीं बन पा रहा, और जिस समय अभी समय है और अभी कुछ भी हो सकता है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बदलाव संभव है। राहुल गांधी इस समय वर्तमान में कोई अपना पैर दिखाई दे नहीं रहा है, जिससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं कर रहा। राहुल गांधी की जो भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसमें यूपी पे क्या असर पड़ेगा, इसमें जब खास बातचीत की गई वरिष्ठों से तो कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि मिलजुला असर रहेगा, तो वहीं कुछ अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि जो है राहुल गांधी आने वाले समय के प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे और पूर्ण रूप से बहुमत में सरकार बनाएंगे। वहीं युवा हैं, चल रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस तरह की भी बातें आ रही हैं, तो वहीं ये भी बातें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ इंडिया वाइज़।